हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। और बोला है 1 में पहला क्वेश्चन जो है, बोला साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30। इवेल्युएट कहने का मतलब है बच्चों, वैल्यू निकालिए इसका। तो साइन 60 आपको पता होगा, साइन 60 आपका हो जाता है √3/2, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, √3/2 बैठाऊँगा। अच्छा, कॉस 30 बच्चों क्या हो जाता है, कॉस 30 भी बच्चों देख लीजिए, जो साइन 60 होता है वही होता है √3/2, ठीक है। और साइन 30 क्या होता है बच्चों, साइन 30 होता है हमारा 1/2, और कॉस 60 भी होता है 1/2। देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे √3 × √3 होता है, और ये 3/4, और ये क्या आ जाता है बच्चों हमारा 1/4। दैट मीन्स क्या, 3 + 1/4, 4/4 हो गया ये बच्चों। और ये क्या हो गया, 1/1 आ गया आंसर। देखो कितने मज़ेदार है बच्चों, 1 आंसर आ गया। तो आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए, और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, कहिए कि देखो आप शुरू से ज्वाइन करो, अचानक बीच में आते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, उनका क्वेश्चन भी छोड़ जाता है। भले ही ये इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको बाद में मिल जाता है मेरे चैनल में, ठीक है, लेकिन अगर लाइव क्लास का मज़ा अलग है बच्चों, इंट्रैक्शन हो पाता है, मैं आपको कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1 में और एक क्वेश्चन आपका है कि 2 tan² 60 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, इसका मैंने वैल्यू निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, 10² 60 बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि क्वेश्चन में मेरा 10² 60 एक्चुअली बच्चों 10² 45 है क्या, एक बार आप देख लो, मेरे को डाउट लग रहा है, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 2 tan² 45 है एक्चुअली। तो ये बच्चों, ये क्वेश्चन रिजेक्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 tan² ये क्वेश्चन भी रिजेक्ट, 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60°, है ना बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो देखो, टेन 45° क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको याद करने का तरीका सिखाया था, अगर आपने याद करना सीखा है तो आप लोग फटाफट, अच्छा नितिन, ओके नितिन पंत, ओके उत्तराखंड से नितिन, वेरी गुड, आप आए हो आज, आप शुरू से आए हो, आप आज अच्छे से सीखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले ही बच्चों, आपने देखा होगा ये वाला नितिन, तो नितिन ये क्वेश्चन आप देख लो, है ना, ये मैंने करा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। चलो, अभी मेरे को क्वेश्चन सही लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 करेक्ट है अभी। तो देखो, tan 45 होता है 1, दैट मीन्स यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, cos 30 बच्चों होता है √3/2, दैट मीन्स यहाँ √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और sin 60 क्या होता है बच्चों, तो आपको पता होगा साइन 60 भी √3/2 होता है, मैंने टेबल आपको बताया था, ठीक है बच्चों। तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा बच्चों, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, और ये 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो कटने वाला है सीधा सीधा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, 2। तो देखो कितना बढ़िया है, ठीक है, कितना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत ही जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। टेबल मैंने आपको बताया था कैसे करना है याद, साइन का अगर हमें याद करना है तो साइन के सारे एंगल्स के लिए 0° 30° मैं एक बार आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ जस्ट, एक ताकि आपको याद आ जाए। हमने करना क्या था, रूट के अंदर 0/2, है ना, और 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और √4/4 करने से साइन का आ जाता है। फिर धीरे धीरे आप सारा टेबल आप निकाल लोगे, है ना, 0 आता है, 1/2 आता है, ये आता है 1/√2, यह आता है √3/2, और यह आता है 1। तो ऐसे आप, आपको मैंने टेबल याद करना सिखाया था आपको, अगर याद होगा तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, क्या शुरू से देख पाओगे। कॉस 45 कितना होता है बच्चों, देखो कॉस 45 हमारा हो जाता है 1/√2। सेक 30 कितना हो जाता है बच्चों, देखो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन 30 हाफ, तो कोसेक क्या हो जाएगा 2/1।
अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2, अगर नीचे एलसीएम कर लेंगे तो 2 + 2√3/√3। अच्छा बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/√2 × √3/2 + 2√3। देखो √3/√2 2 + 2√3 इतना तो यहाँ आ गया, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, रैशनलाइज, तो उससे पहले इंटू कर देंगे, इधर जो भी आ रहा है इसको इंटू कर देंगे, तो 2√2 + 2√6 ये आना चाहिए था, उस टाइम यही मेरा गलती हुआ था, ठीक है अभी ठीक है। अभी रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 2√2 + 2√6, ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चों, इंटू 2√2 − 2√6 और 2√2 − 2√6, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 से ये इंटू हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a + b × a − b, दैट मीन्स क्या हो रहा है बच्चों, a + b × a − b क्या होता है, a² − b² तो 2√2² − 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा √3 × 2√2, इंटू कर देते हैं बच्चों अच्छा रहेगा बहुत, तो इंटू कर देते हैं इसको, इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2√6 − ये आ जाएगा 2√18, क्यों, √3 × √6 √18 होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2² 4 और √2² 2, तो 4 × 2 = 8 माइनस 2² 4 और √6² 6, 4 × 6 = 24, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अभी देखो क्या आता है हमारे पास, ऊपर आ जाता है 2√6 में से 2√2 तो कमन निकाल लेते हैं, √6 − √18 यहाँ आ जाता है, ओके, और नीचे मेरा आता है −16, ठीक है। अच्छा 2 अगर 16 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा, मेरा कितना आ जाता है बच्चों, देखो यहाँ पे मेरा मिल जाता है, मेरे को माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, तो माइनस को ऊपर लिख देता हूँ, √6 − √18/8। और ध्यान से देखें, मैंने अभी आपको बताया था √18 को क्या लिख सकते हो आप लोग बच्चों, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, दैट मीन्स 3√2 लिख सकते हैं, राइट। तो −√6 − √2/8, दैट मीन्स अगर माइनस से मैं इंटू कर दूंगा तो माइनस का रूट सिक्स +3√2/8। तो बच्चों आंसर क्या है, देखो 3√2 − 6/8 है क्या, आंसर ये है क्या, 3√2 − √6/8, ठीक है ना बच्चों, अगर बुक लेके बैठे तो देखो यही आंसर होगा, ठीक है, अगर सही है तो कमेंट कर देना। तो बच्चों किसी कारण से सारा उड़ गया, फिर से करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। sin 31/2, tan 45/1, cosec 60, देखो cosec sin का उल्टा होता है तो 2/√3, sec 30 2/√3 + cos 60, ओ sec 30 मतलब, सॉरी बच्चों sec 30 तो 2 होना चाहिए, sec 30 मतलब sin 30 का उल्टा, तो 2 और cos 60 हो जाएगा, देखो cos 60 आपका होता है 1/2 + 1 और sec 30 sin 30 cos 30 √2/√3, ठीक ही तो था, ओके बच्चों। देखो sin 30 हो गया 1/2, tan 45 डिग्री हो गया 1, इसी तरह से cosec 60 हो गया आपका 2/√3, है ना, जैसे sin का होता है वैसे cosec का, उसके बाद sec क्या होता है बच्चों, sec cos का उल्टा होता है, cos 30 आपका कितना होता है बच्चों, √3/2, दैट मीन्स sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। तो 1/2 + 1 है ना आपका, इस तरह से क्या आ जाएगा, −2/√3 2/√3 + 1/2 + 1, अच्छा आगे करते हैं बच्चों, ये √3 √3 का चक्कर में ना कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है 2√3 अभी गड़बड़ नहीं होगा, ऊपर कितना है, इधर √3 नहीं तो ऊपर √3 × 2 + इधर तो एलसीएम में से कुछ भी नहीं है तो ऊपर 2√3 × 2,
अच्छा इधर देखिए, इधर रूट थ्री है तो ऊपर टू से इंटू मतलब फोर। अच्छा फिर से देखें यहाँ पे बच्चों, रूट थ्री है तो टू नहीं है तो ऊपर टू से इंटू फोर, यहाँ पे रूट थ्री नहीं है तो ऊपर रूट थ्री, और यहाँ पे वन है कुछ भी नहीं है, मतलब एलसीएम अगर टू रूट थ्री है तो देखना है टू रूट थ्री में से यहाँ क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब टू रूट थ्री से इंटू। ओके ये टू रूट थ्री, ये टू रूट थ्री कट गया है ना, मेरे पास क्या आ गया, थ्री रूट थ्री माइनस फोर बाई फोर प्लस थ्री रूट थ्री, मतलब क्या बच्चों, मतलब क्या है बच्चों, थ्री रूट थ्री माइनस फोर बाई थ्री रूट थ्री प्लस फोर। अच्छा हमने क्या करना है फिर, अगर हमने रैशनलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जो डेनोमिनेटर दिख रहा है उसका साइन चेंज करके हम लगा देंगे, तो लगा देते हैं इंटू कर देते हैं, तो थ्री रूट थ्री माइनस फोर बाई थ्री रूट थ्री प्लस फोर इंटू थ्री रूट थ्री माइनस फोर, क्योंकि डेनोमिनेटर में प्लस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, तो माइनस फोर बाई थ्री रूट थ्री माइनस फोर। अभी देखो ऊपर क्या है, थ्री रूट थ्री का माइनस फोर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, थ्री रूट थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर सेम दोनों क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ देखो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू, ये रूट थ्री मेरा बड़ा बड़ा गड़बड़ हो रहा है बार बार यार, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो थ्री का स्क्वायर नाइन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो नाइन थ्री तो 27 और माइनस 16, यहाँ पे भी आ जाएगा 27 माइनस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जो 24, 24 रूट थ्री प्लस फोर का स्क्वायर 16, और यहाँ 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा बच्चों 11। अच्छा 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों 43, और यहाँ पे माइनस 24 रूट थ्री बाई 11 हो जाएगा, ठीक है, तो 43 माइनस 24 रूट थ्री बाई 11 यही आंसर होगा बच्चों, ठीक है, इससे आगे हम नहीं कर सकते इसको, तो यही आंसर है, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे डेनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया, बस हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फोर सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, एकदम बढ़िया, चलो इसको करते हैं बच्चों। तो फाइव कॉस 60 दैट मीन्स क्या, देखो कॉस 60 क्या होता है, जो साइन 30 होता है, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 कितना होता है, जो कॉस 30 होता है उसका उल्टा, कॉस 30 रूट 3/2 होता, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10/45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे साइन 30 होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 कितना होता है बच्चों, जो आपका √3/2 का स्क्वायर। तो सारे वैल्यूज बच्चों आप लोग चेक कर लेना, अगर कुछ भी कहीं गड़बड़ बैठाया हो तो बता देना, ठीक है, अभी तक मेरे को लगता है मैंने सब फटाफट जल्दी बैठाया है। ओके 5/ नीचे कितना आ जाता है 4 प्लस, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 4 4 4 जा, देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, तो 4 4 16 और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 1, अच्छा यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4, वाह देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, ओके बच्चों, और ये देखो क्या आ जाएगा, इधर पे 1 है तो 4 3 12 3 से ऊपर इंटू, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एलसीएम में 12 है, तो 4 कितना था 12 3 जा, तो 3 से ऊपर इंटू 3 5 जा 15 प्लस 3
थ्री फोर जो 12 होता है तो 4 से ऊपर इंटू 16, 4 जो 64 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आ रहा है देखो बच्चों, क्लियरली दिख रहा है 4 और 1 प्लस 3, क्लियरली मेरे को दिख चुका था कि यहाँ पे 4 बाई 4 आ रहा है। अच्छा ऊपर कितना आ रहा है देखो, 15 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 64 में 3 प्लस करो 67, 67 बाई 12, और यहाँ क्या आया देखो 4 बाई 4, मतलब ये तो 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 67 बाई 12 भी आ गया, नीचे का तो 1 चला गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है बच्चों यहीं पे, अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये लाइव क्लास में बड़ा क्वेश्चन गलत मिल रहा है, 2 tan 30 degree बाय 1 plus tan square 30 degree, ठीक है। तो आप पूछ रहे थे ना रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो वही बोल रहा। अच्छा ओके ईशान समझ गया। अच्छा ये क्वेश्चन देखो गलत था तो ये क्वेश्चन करेक्ट किया, ये क्वेश्चन गलत है इसको काट दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये है ठीक है। तो 10 30 होता है बच्चों 1 by root 3, तो हम लोग कर देंगे 1 plus 1 by root 3, 1 plus 1 by root 3 का स्क्वायर। अच्छा ये बच्चों कितना हो जाएगा 2 by root 3, और ये हो जाएगा 1 plus 1 by 3। अच्छा बच्चों देखो ये 2 by root 3 और ये 3 plus 1 by 3, ठीक है, तो 2 by root 3 और ये आ जाएगा 4 by root 4 by 3, ये आ जाएगा 4 by 3। देखो ऊपर ऊपर काट सकते हैं मैंने बताया था, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 by root 3 और ये आ जाएगा 2 by root 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 by root 3 इंटू रूट 3 by 2, 1 by root 3 और ये रूट 3 by 2, 2 by root 3 ओके, 4 by 3 ये भी ओके, 4 by 3 यार 4 by 3, आज क्या हो रहा है बार बार क्या हो रहा है, रूट 3, रूट 3 ऊपर जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अच्छा अभी ठीक है ओके। और क्या था, और क्या था, 1 by root 3 इंटू रूट 3 by 2, ओके बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा रूट 3 बन जाए रूट 3 से ये कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा रूट 3 by 2। और बच्चों रूट 3 by 2 कितना होता है, रूट 3 by 2 हो जाता है बच्चों, कितना रूट 3 by 2 कितना हो जाएगा साइन 60 degree, ठीक है बच्चों ओके। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन जरूर चेक करूंगा इस बार। नेक्स्ट है 1 minus 10 square 45 बाय 1 plus 10 square 45, 10 square ही तो है, ठीक है। तो बच्चों इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 1 minus 10 देखो 10 45 1 होता, तो 1 minus 1 का square 1 plus 1 का square, राइट। तो ये तो कितना आ गया बच्चों 1 minus 1 by 2, और दैट मीन्स 0 by 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। कौन कौन देख रहा है सेशन मेरा लाइव, काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, चलो। तो साइन 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, अच्छा ये ट्रू कब होता है, एक काम करते हैं ये a कब होता है हमने लेना है, तो हमने कुछ इसको इस तरह से करेंगे कि हम सारा ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो साइन 2a बराबर 2 sin a है ना, ये ट्रू है कब, तो देख लेते हैं, ये सारा ऑप्शन ही हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो पहला 0 के लिए चेक करते हैं, देखो साइन 2 into 0 साइन 0 होता है, दैट मीन्स कितना 0, अच्छा ये टेबल बना लेते हैं, 2 sin a मतलब क्या
टू साइन 0 डिग्री मतलब 2 × 0 मतलब 0। अच्छा 30 डिग्री में करें तो साइन 2 × 30 मतलब साइन 60 मतलब √3/2, और 2 sin 30 करें तो 2 × 1/2। अच्छा ये तो नहीं होगा, देखो ऑप्शन में तो दिख रहा है मेरे को साइन 2 × 45 करें तो मतलब ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा मतलब 1, और 2 sin 45 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/√2, दैट मीन्स बचेगा √2, क्योंकि √2 × √2 2 होता है तो √2। ये भी नहीं होगा, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है 60 साइन 2 × 60 हो जाएगा 120। आपको एक्यूट, आपको ऑब्ट्यूस एंगल तो करना ही नहीं है, आपने करने का ये काम ही नहीं है। तो मेरा सीधा सीधा ऑप्शन है क्या 0 डिग्री। ठीक है हम खाली एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए नहीं। ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है 0 डिग्री आंसर है, क्योंकि 0 डिग्री में क्या हो रहा है साइन 2a बराबर 2 sin a हो रहा है। ठीक है ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 का 4 नंबर 2 10 30 by 1 − 10 square 30। तो 2 10 30 होता है 1/√2, और 1 − पहले प्लस वाला था बच्चों। ठीक है सेम क्वेश्चन नहीं आया, इससे पहले प्लस वाला था, अभी माइनस वाला आया है। तो 10 square मतलब क्या, वही 1/10 30 1/√3 होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/√3 का square। अच्छा बच्चों ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 − 1/3, 2/√3, और ये हो जाएगा 3 − 1/3 मतलब 2/√3 × 3/2। क्यों, ये तो 2 हो जाएगा, और जब ये मैं इसको हटाऊंगा तो इंटू हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टू कटा और ये आ जाएगा √3 1/√3, √3 × √3 3। बच क्या गया बच्चों, √3 बच गया। अब √3 कब होता है बच्चों, जब 10 60 डिग्री होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री। ठीक है करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इफ 10a + b = √3 एंड 10a − b = 1/√3, और बोला ए प्लस जी बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, या 90 भी हो सकता है, और ए बड़ा है बी से बोला हुआ है, तो फाइंड ए एंड बी। ओके बच्चों तो देखो 10a + b जो एंगल में है वो बराबर √3 है। अच्छा 10√3 कब होता है बच्चों मेरे को बताओ, 10√3 तब होता है जब 10 60 होता है। तो मैं √3 का जगह 10 60 लिख सकता हूँ, मैंने 10 60 लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा a + b = 60, ये 1 ले लो, और क्या है 10a − b बराबर कितना 1/√3 है, और 10 1/√3 कब होता है बच्चों, जब 10 30 डिग्री होता है। दैट मीन्स मैं कंपेरिजन करूँ यहाँ पे, क्या ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन क्या a − b = 30 डिग्री। अभी दो इक्वेशन आपको आ गया, आपने करना क्या सॉल्व, तो क्या करेंगे adding 1 and 2, क्या आ जाएगा देखो 1 and 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा a + b = 60 और a − b = 30, b भी कट जाएगा 2a = 90, और a कितना आ जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री, ए आ गया। 1 में अगर ए का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 मेरे को क्या मिल जाएगा 45 डिग्री + b = 60 डिग्री, और b = 60 − 45, दैट मीन्स 15 डिग्री। ठीक है बच्चों क्वेश्चन अगर ऑप्शन अगर आंसर अगर सही आ रहा है तो आप लोग चेक करके बोलो सही आ रहा है सर, एकदम करेक्ट है। ठीक है ऐसे सही आना चाहिए, फिर भी आज मिस्टेक्स निकल रहा था तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। अच्छा कुछ क्वेश्चन अब यहाँ पे है, देखो एक एक करके डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स का। बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू, अगर है ना क्या साइन ए प्लस साइन बी होता है, तो मान लेते हैं एक एंगल लेके मान लेते हैं, इसको करने का कोशिश करते हैं, एक एंगल लेके लेट कर लेंगे, लेट कर लो ए 30 डिग्री है और बी मान लो 60 डिग्री है। ठीक है तो बच्चों देखो ध्यान से, ए 30 डिग्री बी 60 डिग्री अगर है,
तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60, मतलब साइन 90 हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और ये 1 होता है। अच्छा साइन ए प्लस साइन बी अलग अलग करेंगे तो साइन 30 प्लस साइन 60 हो जाएगा, साइन 30 तो 1/2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3/2। तो भैया ये तो बराबर नहीं आया है ना, तो पहला वाला जो है भाई ये तो फॉल्स है, ठीक है। 1 का तो फॉल्स है, 2 का देखते हैं। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, देखो थीटा पे देखो साइन 0 से स्टार्ट होता है, तो ये करेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि टेबल आप देखो साइन का पहला है 0 होता है 0 डिग्री में, फिर आपका क्या होता है 30 डिग्री में हाफ हो जाता है, 0 से बड़ा हो गया, फिर क्या हो जाता है 1/√2 हो जाता है, फिर √3/2 हो जाता है, फिर धीरे 1 हो जाता है। देखो जितना एंगल बढ़ते जाएगा है ना, 0 डिग्री पे कितना था, 0 था, और 90 डिग्री पे 1 है ना बच्चों, तो बढ़ रहा है, करेक्ट है। थर्ड, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, देखो कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, क्यों कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है कॉस 30 पे, कॉस 0 पे 1, कॉस 0 पे 1, फिर क्या हो जाता है, फिर √3/2 होता है, फिर कॉस 45 पे 1/√2 होता है, कॉस 60 पे हाफ हो जाता है, और कॉस 90 पे तो 0 हो जाता है, मतलब जितना थीटा बढ़ते जा रहा है उतना कॉस छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो भाई नीचे थर्ड वाला तो भैया इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, ये ट्रू है और ये हो गया फॉल्स, थर्ड वाला फॉल्स। फोर्थ वाला, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, इनकरेक्ट। साइन थीटा कॉस थीटा ओनली 45 डिग्री पे, ओनली कितना, फोर्थ में हमारा जो बोल रहा है ओनली 45 डिग्री पे सेम होता है, जो कि देखो साइन 45 आपको पता होगा 1/√2, और कॉस 45 भी आपको पता होगा 1/√2 होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो जो ये बोल रहा है कि हर एंगल के लिए ये फॉल्स है, सिर्फ एक एंगल के लिए होता है इसलिए ये फॉल्स, ठीक है। तो फोर का क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। ओके फाइव का देखते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री कितना होता है बच्चों, देखो कॉट 0 डिग्री अगर आपको टेबल पता होगा, ठीक है। अब अच्छा एक काम करो, मैं आपको साइन 0 पता है तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि कॉट 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 0 बाय कॉस 0, सॉरी कॉस 0 बाय साइन 0, कॉस 0 बाय साइन 0, कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है भैया 1 और साइन 0 होता है 0। अब मैंने आपको बताया था एनीथिंग बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो क्वेश्चन में तो एकदम सही बोल रहा है, कॉस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0, एकदम करेक्ट ट्रू है ना। तो फिफ्थ नंबर का क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस थे, तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं मिलूंगा आपको एक्सरसाइज 8.4 के साथ, क्योंकि 8.3 तो आपका डिलीटेड है ना। तो बच्चों फिर मिलेंगे, बाय बाय।